नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑल इंडिया चेयरपर्सन लॉ बोर्ड की बैठक में डीजीपी की गाइडलाइन का हुआ विरोध। 8 अगस्त को तमाम ताजियादार कमेटियां डीएम को देंगी ज्ञापन, यासूब अब्बास। लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो सराज हैदर की रिपोर्ट। उसके अंदर कई अहम फैसले लिए गए और जो हमारा सबसे अहम फैसला है, जो इस वक्त मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है, जो बात निकल के आई है कि डीजीपी साहब के बयान की भरपूर तरीके से मदम्मत की है ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड ने। और मैं ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड की तरफ से आप तमाम हजरात से, मीडिया के जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ कि 8 अगस्त को दिन में 12 बजे जितने उत्तर प्रदेश में ताजियादार हैं वो डीएम लखनऊ को मेमोरेंडम दें ताकि वो मेमोरेंडम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जाए। 8 अगस्त 12 बजे दिन में डीजीपी के खिलाफ डीएम को मेमोरेंडम दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिख के, ताकि वो अपना इस बयान को वापस लें। इसके अलावा ये जो पूरी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया गया है, जिसके अंदर मदेसावा और तबर्रा कह के शिया और सुन्नी तनाजा पैदा करने की बात की गई है, गौवत को कह के हिंदू और मुसलमान तनाजे को इख्तियार करने की बात की गई है। एडीजीएलओ का कहना है कि जो रियलिटी है वही इसमें लिखी गई है। कभी इस तरीके का आज तक के आज़ादी के बाद से, आज तक के मुहर्रम को लोगे इस तरीके की गाइडलाइन नहीं आई। अगर कोविड गाइडलाइन की बात थी तो बेशक कोविड गाइडलाइन का हम एहतराम करते हैं, कोविड गाइडलाइन का कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोविड गाइडलाइन का पालन ना हुआ हो, कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया है। मगर शादियाँ हमारे यहाँ बच्चा भी सर पर रखे जाता है, बूढ़ा भी सर पर रखे जाता है। जो ताजिया अछूरे को उठता है, उत्तर प्रदेश सरकार ताजिया निकलने की इजाज़त दे, इसलिए कि जब हम घर से मैयत निकाल सकते हैं तो हम घर से ताजिया क्यों नहीं निकाल सकते हैं। लिहाजा ताजिया जुलूस की शक्ल में नहीं जाता है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ताजिया का जुलूस, तो प्रोसेशन जब सबके नहीं निकल रहे हैं तो हम प्रोसेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। ताजिया एक घर से एक निकलता है और एक जगह नहीं जाता है, मुख्तलिफ करबलाओं में जाता है, वहाँ दफन होता है। लिहाजा उसकी बाकायदा हम इजाज़त की मांग कर रहे हैं। क्या इसके पीछे की सियासी ताकतों का हाथ है जो बयान दिया गया है? देखिए, इसके पीछे तो अभी हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं और मुलाकात करके देखते हैं इसके अंदर किसका हाथ है, ये आपके सामने जल्द ही आ जाए। मौलाना साहब, एडीजीएलओ का कहना है कि जो रियलिटी है वही गाइडलाइन में लिखी गई है। कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है, उसके अंदर क्या रियलिटी, उनका पूरा बयान मैंने भी सुना है। एडीजीएलओ साहब का जो बयान है, उन्हीं ने कहा, उन्हीं ने कोई वापस लेने की बात नहीं की है। डीजीपी साहब बाखेरा अपने बयान को वापस लें, अगर वापस नहीं लेते हैं तो ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड आगे की स्ट्रेटेजी तय करेगा।